नमस्कार मध्याह्न खबर को स्वागत करछु मु चिन्मयी। प्रथमे हेडलाइंस। बढ़ुछि डेंगू संक्रमण, मेडिकल रे रोगीों पर बेड अभाव, हाथ टेकी दे राज्य सरकार। स्वास्थ्य विभाग कहला जिते अभाव थाए समस्ते मिलमिशि चलवाक हो, करोना पर सृष्टि अभाव। ओलंपिक्स्रु बड़ खुशी खबर देला महिला हॉकी टीम। क्वार्टर फाइनाल रे शक्तिशाली कंगारू दल को चताइला धूली। 1-0 रे ऑस्ट्रेलिया को हराई ऐतिहासिक विजय। 1980 परे प्रथम थर सेमिफाइनाल रे एंट्री। टीम को शुभेच्छा जणाइले केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान। बालेश्वर रे विपद संकेत टपिला सुवर्णरेखा। तलिया अंचल रे बन्या आशंका। राजघाट रे 10.45 मीटर उपरे जलस्तर। बालियापाड़ा और भोगराई ब्लॉक रो तलिया अंचल पई बढ़ला विपद। एसीएफ सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु मामला विश्वस्त सूत्रों सूचना। विद्या भारती को पुणी पचराउचरा करिब पुलिस। विद्या भारती को उदला घर को जीव पाला खेमुंडी पुलिस। कमुची पॉजिटिव का संख्या, कमुनि मृत्यु। पुणी 67 जीवन नहीं भारत। खोर्धारू 12, सुंदरगढ़ 11 मृतक। सेपटे राज्य में 24 घंटे 1032 को खसला पॉजिटिव का संख्या। खोर्धारू 237, कटकू 154 नुआ आक्रांत। आजठ राज्य में कोहल है कोरोना कटका। कटक पुरी और भुवनेश्वर मल और हल खोल को अनुमति। राति 8 जाए खोल दुकान। 50% क्षमता को नहीं चलो होटल और रेस्टोरेंट। नीलगिरी में धरा पड़ा लघु खनिजर चोरा चलाण। एसडीपीओं राति पेट्रोलिंग बेले धरा पड़ा कारबार। 8 जन को अटक रखी पुलिस पचराउचरा। कारबार पछे बड़ हाथ संपृक्ति सन्देह। बुलेटिन आरंभ करिबा एक गुरुत्वपूर्ण खबर। राज्य को डेंगू डर, बढ़ुछि संक्रमण, मेडिकल रे रोगीों पर बेड अभाव, हाथ टेकी राज्य सरकार। स्वास्थ्य विभाग कहला जिते अभाव थाए आमको मिलमिशि चलवाक हो, आमको किसी परिमाण में एडजस्ट करवाक हो। कोरोना पर बेड डिमांड रही। डेंगू और नेचुरल डिजीज रोगी भी आगर रही। तेणु हठात कौन जगह तीनोटी कोठा तायरी कि संभव नुहे स्वास्थ्य विभाग। किसी सुविधा और किसी असुविधा रही ताको आमको एडजस्ट करिबाको हेबो बोली युक्ति बाढ़ी स्वास्थ्य विभाग। पेटलेट कौन फैक्ट्री में तैयारी होनी यहाँ मनुष्य मैंने देखते। तेणु जिते अधिक लोक रक्तदान करेंगे से ही अनुसार पेटलेटर अभाव दूर हो। डोनर मान रक्तदान करने को आगे आसवापी स्वास्थ्य विभाग। इतिहास रचिला भारतीय महिला हॉकी दल। विश्व नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया को हराई सेमीफाइनाल रे पहुंची टीम इंडिया। 1980 परे प्रथम थर सेमीफाइनाल रे पहुंची दल। 1-0 गोल रे ऑस्ट्रेलिया को हराई ऐतिहासिक विजय हासिल करिछंती। 22तम मिनिट रे गुरजीत कौर गोल बल रे भारत आगुआ होता। आई गोल ही निर्णायक होता। शेष पर्यंत कंगारू दल भारत डिफेन्स चाप पकाइबा को चेष्टा करथिला। तबे कमाल करथिला भारतीय डिफेन्स। शेष मुहूर्त में बैक टू बैक पेनाल्टी कर्नर मिलते भी सबु प्रयास को रोकथिला भारत। अन्यपटे महिला हॉकी दल सेमी को प्रवेश करबा परे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान शुभेच्छा जणाइछन्ति। पुणे निराश कले दूति। 100 परे 200 मीटर रे भी परवर्ती राउंड को क्वालिफाई कर पारे। हिट 4 रे दौड़ी दूति सप्तम तथा शेष स्थान में रही। 23.85 सेकेंड टाइमिंग सह दूति शेष स्थान में रही। हिट 4 रे 22.11 नामिबिया आथलेट सी मबोबा प्रथम स्थान में रही। पूर्व 100 मीटर दौड़ में निराश करते दूती चांद 11.54 सेकेंड सह से सप्तम स्थान में रही। भारत पक्ष एकमात्र आथलेट भाव दुईट इवेंट में भाग नहीं दूती। ओडिशा सह पूरा भारत नजर दूती बेले दूती पुणी निराश कर।
एसीएफ सौम्य रंजन महापात्र मृत्यु मामला विश्वस्त सूत्र मिलता सूचना अनुसार विद्या भारती पचरा उचरा कर पुलिस पुणी तदंत विद्या भारती घर को जब पालाखेमुंडी पुलिस एवं पर्यंत मिलता समस्त तथ्य को नहीं पचरा उचरा कर पुलिस उदला जाए पुणी सत खोज पुलिस सुवर्णरेखार विपद संकेत छुईला जलस्तर बालेश्वर जिला सुवर्णरेखा नदी तलिया अंचल बन्या आशंका देखाई जलेश्वर राजघाट विपद संकेत 10.36 मीटर टपि आज सका सतटा सुधा बन्यापा विपद संकेत 10.45 मीटर उपर प्रवाहित हो सुवर्णरेखार बन्या आशंका देखाई बालियापाल ब्लक्र तलिया अंचल कुद मानसिंह सूर्यपुर रुणपुर आठबटिया सुंगमुह विष्णुपुर अस्थि मधुपुर पानी पशी रास्ता पड़ी पुणी बाउंसरे बुहा हेले रोगी रास्ता नथिबारो गांकु आसीपाला नाही आंबुलांस फळरे बाध्य होई बाउंसरे रोगी को बोहिबा को पड़ी एभली घटना देखा मिली कोरापुट उपांत अंचल नारायणपाटना ब्लक तेतुलीपदर पंचायत अंतर्गत तलरंगपाणी गाँव में गाँव मधु हुईका दुई दिन तले ज्वर से आक्रांत होते से घरे रोते आज देह हठात असुस्थ हो गाँव किसी युवक और स्त्री सहित मिसी काउड़ी कर घंच जंगल रास्ता दे बोही नहीं आसवा कोरोना संपर्कित खबर को राज्य में कमुची पॉजिटिव का संख्या किंतु कमुनी मृत्यु संख्या पुणी 67 जीवन नहीं भाईरस से खोर्धार 12 सुंदरगढ़ 11 और कटक्र 10 जन मृतक रही मिसाई राज्य में मोट कोरोना जनित मृत्यु संख्या 6033 रे पहुंची सेपटे राज्य में 24 घंटे 1032 पजिट चिन्हट होती खोर्धार 237 कटक्र 154 जगत सिंहपुर 82 अनुगुल 48 नुआ केस सामना को आसी आजठ भुवनेश्वर कटक और पुरी में कोहल हो कटका एणिक राति 8टा पर्यंत दुकान खोला रहा बेले सिनेमा हॉल बार रेस्तरां और मॉल खोल को अनुमति मिली तेज राति 8टू सका 6टा जाए नाइट कर्फ्यू लागू हो सरकार पक्षर् जारी होता नुआ गाइडलाइन रे किछि जिनस उपरे कटका कोहल हो 50% क्षमता को नहीं रेस्तरां बार खोली पार एवं 50% दर्शक क्षमता को नहीं सिनेमा हॉल खोली पार समुद्रकूल बीच पार्क खोला रखा अनुमति मिलता बेले गाइडलाइन मानवे पर्यटक सेपरि सीमित संख्यक ग्राहकों को नहीं राज्यर समस्त मॉल खोल जापर अनेपक्ष रास्ता कोण में दुकान में बस खाई लोके जीवन जीविका समन्वय रखी सरकार कटका को कोहल कर ओडिशा रे आर वैल्यू अन्य राज्य तुलना रे भल अच्छी आर वैल्यू रे एक उपरे रहिले अधिक लोक संक्रमित होइछि वर्तमान आर वैल्यू एक पाखापाखी केतेक राज्य रे पहुंची सारी ओडिशा रे आर वैल्यू एक होना एक उपरे रहिले संक्रमण बढ़िबा आर वैल्यू कम्युनिटी रे प्रतिफलित होता है से कथा वर्तमान कहिबा कष्टकर चाइना रे प्रथम वेव रे आर वैल्यू 6 उपरे थिला किंतु भारत रे द्वितीय वेव रे देखिबा को मिलुनी एहा को नै व्यस्त हेबार कारण नाही आर वैल्यू हेले कम्युनिटी रे किभली प्रतिफलित होउछि तार कारण खोजा चलीछि आर वैल्यू हेले अधिक संक्रमण होइथाय किंतु ता माने नुहे समस्त संक्रमित हेबे टीकाकरण कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करबा दरकार
नीलगिरी धरा पड़ा लघु खनिजर चोरा चलाण एसडीपीओं राति पेट्रोलिंग बेले धरा पड़ी एही कारबार लघु खनिज द्रव्य चोरा चलाण करुथिबा गोटे पथर बोझेई ट्रक पांचटी ट्राक्टर गोटे जेसीबी दुईटी काठ बोझेई पिकअप जबत होईछि। नीलगिरी एसडीपीओं नेतृत्व में टीम पेट्रोलिंग करुथिबा बेले गाड़ी जबत होईछि। एही मामलें आठ जन को अटक रखाई पचरा उचरा कराउछि। तबे एटी बड़ प्रश्न कहा छत्रछाया तले एवं कहार साहस बल में एभली बेधड़क कारबार चलता एभली चोरा चलाण पछरे किछि बड़ ना थिबा संदेह करा जाउछी। काली राति रे पुलिस तरफ रु आम नीलगिरी रा विभिन्न अंचल रे आम नाइट पेट्रोलिंग आउ विभिन्न स्थान रे चेकिंग करथुलु। एही परिप्रेक्षी रे आम मिर्गिणी अंचल रु गोटाए जेसीबी आउ पांचटी ट्राक्टर जो मैंने चोरा मोरम चालाण करथुले सेटा आम धरिछु। आउ दुईटी काठ गाड़ी भी धरा हेछि, गोटे पथर गाड़ी मध्ये चोरा चालाण होतला ताकु भी धरा हेछि। पथर गाड़ी रो ड्राइवर को पचारिवार जना पडुतला, से कहुतला जे पथर बागुडी रो आनि आसतला। आम कंटिन्यूसली एमती रेड जारी रहिबो आउ ए प्रकार बेआइन चोरा चालाण माइनर मिनरल रो आम बंद करिया पई पूर्ण ते पुणी थे फेरबा जो अनलॉक खबर को आज सारा राज्य में सामान्यतम कोहल करोना कटकणा को कोहल कर खासकर भुवनेश्वर कटक पुरी में सामान्यतम कोहल देखा मिली। आज मल खोली पार्क खोली सपिंग मल गुड़िक खोला रही है। या व्यतीत रेस्टोरेंट गुड़िकेमा हल में 50% दर्शकों को लेकिन बर्तमान चलने राज्य सरकार अनुमति देखते कौटिना कौटि जीवन एवं जीविका को समन्वय रक्षा करी सरकार एभली निष्पत्ति नहीं। तेज वर्तमान बालेश्वर को जीवा बालेश्वर आम प्रतिनिधि प्रकाश आम सहित जोड़ी होती। प्रकाश आज बालेश्वर कौन चित्र आसी पहुँचुचे जदिओ आज सामान्यतम कोहल कर मल खोली किंतु लोक मैंने सचेतन अच्छा ना ना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मानुंट ना ना देखो निवेदिता जो भाई आम कहते जो अनलॉक थ्री जो सरकार कोहल कर गाइडलाइन अगस्ट गाइडलाइन ले आपन देखते बाजार घाट समस्त प्रकार खोला रही जो कथा कहते लोके कटक को मानुंट कि ना प्राय विभिन्न जगह देखा जदिओ पाखापाखि 80-90% लोक मानुंट आउ कि जगह अनेक जगह देखा मिली जो कोविड जो कटक रही सामाजिक दूरता कथा कहतु मास्क पिंधा कथा कहतु एगुड़िक किसी लोक आज भी अमान्य अच्छा जोटा कि मानुना कितु जो कथा कहुला जैक बार सपिंग मल और जो सिनेमा हॉल एगुड़ा सब खोल एगुड़ा सब खुली कितु कौट ना कौटी आज भी लोक किसी लोक सचेतन नहाती जो कि जो जो आशंका करा जे जो कोविडर गाइडलाइन जहाँ जहाँ अच्छी यदि आम न मानिया जेहेतु संपूर्ण भाव कोरोना दूर होना तो कौन ना कौन फेर पूर्व भाई फेर अनलॉक आमको फेर भोगापी पड़ो तो प्रथम बालेश्वर आम सहित जो जोड़ी आम प्रतिज्ञा ना आज्ञा कौन कहते देखिए सरकार अगस्ट गाइडलाइन जो भाव कोहल कर मार्केट स्थित आप देखुं कौ भाई लोक के सचेतन होती प्रकृत में गाइडलाइन को समस्त फॉलो कर नहीं बट खोला है बहुत भल हो कहीं लोक जीविका जीविका पर तो प्रभाव पकाउ खोला है किंतु माने देखु 100-75% मानुंट 25% देखता ये बाबू जहाँ बहुत लोक मास्क पिंधुना माने जो गोटे मीटर दूरता रखा कथा करूना प्रत्येक दुकान देखते पर्याप्त भिड़ होने आगे आम शुणा पाच अगस्ट लास्ट सेप्टेम्बर फास्ट तृतीय हल आसुच्छी तो जब आम सचेतन न होगा पुणी पूर्व भाई अवस्था आम भोगक पड़ो निश्चिंत राज्य सरकार नुआ गाइडलाइन आनी जो मैंने डबल डोज टीका नहीं सारी थे प्रमाण पत्र देखा फल अनुमति मिले सपिंग मल को रेस्टोरेंट को जिबे ये सब चित्र कौन आसी पहुंचुची कारण सपिंग मल रो मालिक रहते फॉलो कर देखो जो कथा कहे निवेदिता आम जो जगार अच्छू बर्तमान से जगार तो सपिंग मल ना तथा तो जो बार अच्छी आम देखापी चाहे मुझे बार गुड़िक जो रही से बार रे लोक मैंने बर्तमान जो कथा कहे बर्तमान जेहेतु जो कथा कहता 50% लोक को लेकिन बार चलो सीटा बर्तमान जहाँ जनापड़े बार से लोक नहांती अर्थात सेठी से गाइडलाइन को फॉलो करुँच कितु जो साधारण दुकान गुड़िक अच्छे आम यदि कह से दुकान गुड़िक जो कस्टमर मैंने अच्छा किसी लोक एथेर अमान्य होती मास्क पिंधुना और गाड़ी चले कि जो मैंने भी जाऊँ किसी लोक मुहर मास्क नदे जो थोड़ी तौक अर्थात मुह तौक पटी तौक नाक तौक विभिन्न जगह मास्क से जाऊँ अर्थात से जो कथा कहला पूर्व जो भाया अमानिया होते जो कि आमको पाखापाखि 2 वर्ष धरी जो जंत्रणा लॉकडाउन शटडाउन नाइट कर्फ्यू एगुड़ा सब भोगक पड़ता जो भाई आम बालेश्वर जो भाई प्रतिज्ञा नौते जमी कहते 75% लोक
ଆଜି ବି ମାନେ ଅମାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂଜୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅମାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। नवरंगपुर रायघर ब्लक में माओवादी पोस्टर पुणि निज उपस्थिति जाहिर कले नक्सल 40 नंबर राज्य राजपथ में मारे बैनर और लिफलेट वर्तमान माओ सप्ताह चलता बेले पालन करने को आह्वान देखते माओवादी मेनपुर नुआपड़ा डिविजन तरफ ए पोस्टर लग जा दावी कर केन्द्रापड़ा बीजेपी जिला संपादक ब्रजेश रंजन नायकों अतर्कित आक्रमण आक्रमण करते केन्द्रापड़ा एसपी स्टेनो शारदा प्रसाद सामल एक कतुरी में ब्रजेश हाथ गोड़ छाती और पापुली में आक्रमण कर गुरुतर अवस्था ब्रजेश को पाटकुरा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती करा थाना अंतर्गत चौपुर हाट परिसर में गतका संध्या समय किसी लोक धमक दे गाड़गुलज करुले केन्द्रापड़ा एसपी स्टेनो यह समय बीजेपी जिला संपादक ब्रजेश रंजन नायक से ही बाट दे फेरुले ब्रजेश स्टेनों एपरी आचरण को विरोध करते उत्त्यक्त हो शारदा सामल ब्रजेश को गाड़ गुलज करने हाथ गोड़ छाती और पापुली अचानक आक्रमण करते साधारण के पाटकुरा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को फोन करने एम्बुलांस आसी ब्रजेश को गुरुतर अवस्था उद्धार कर चिकित्सापी पाटकुरा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती करा पुलिस घटनार तदंत जारी रखी। वर्तमान सीधासख नजर पकड़ राज्य बीजेपी सांबादिक सम्मेलन सांबादिक सम्मेलन को संबोधन करेंगे आम भारतीय जनता पार्टी प्रदेश वरिष्ठ साधारण संपादक माननीय ऋतुराज हरिचंदन महोदय एवं सहित अच्छा प्रकाश बेहरा गोटा दौड़ी जाकर सांगठनिक जिलार सभापति माननीय मिट्टू मल्लिक महोदय एवं कटक जिला बांकी निर्वाचन मंडलीर नेता तथा राज्य कार्यकारिणी सदस्य शुभ्रांशु मोहन पाड़ी महोदय विशेष कर प्रधानमंत्री मोदी आसतु क्षुदा निवारण एवं गरीब लोक को काम रोजगार जोगे दवापाई मनरेगा ओडिशा को हजार हजार कोटी टंका देखला बेल ओडिशा सरकार लोक काम दवा प्रतिबदल कि भाव हरिलुट करा जाऊँ ये समग्र राज्य किंतु गंजाम जिला एवं कटक जिला ठोस तथ्य को लेकर आज आपण मान निकट में उपस्थापन करेंगे मुझे निवेदन करुच्ची श्रीयुक्त हरिचंदन महोदय को सी आपण मान को संबोधन करेंगे एवं श्री हरिचंदन महोदय गणमाध्यम समस्त बंधु मान स्वागत आज पत्रकार वार्ता को बंधुगण महात्मा गांधी निश्चित कर्म निजुक्ति योजना लंबा समय धरिकी भारत वर्ष रे प्रणयन होई तार मुख्य उद्देश्य होची ग्रामांचल रहुथिबा गरीब लोक माने ग्रामांचल रहुथिबा गरीब लोक माने जो माने कि तांकर रोजगार नाही जो माने कि स्वावलंबनता नाही जो मानंकर सेमानंकु प्रति वर्ष एई योजना अंतर्भुक्त विभिन्न काम जरिया रे श्रमदान करिवे एवं सेमाने दुई पैसा रोजगार करिवे जहाँफल कि परिवार चलो यह हूँ से पूरा पूरी योजनार एकमात्र लक्ष्य
ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଏକ କଷ୍ଟକର କଥା ହେଉଛି। ଆମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ କାମ ନଥିବା କାରଣରୁ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଲଗା ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରବାସୀ ହୋଇକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଠି କାମ ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ କାମ ନଥିବା କାରଣରୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ବାହାରକୁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମ ଦେଶୀୟ ଭାଷାରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ହୋଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛେ, ସେହି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅକଥନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଲେ ଏବଂ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଛାଟିପିଟି ହୋଇକି କେମିତି ଆସିବେ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଇଏ ସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ଖୁସିର କଥା ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଯେ ଗତ ସାତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶକୁ ଷୋହଳ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗତ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଲକ୍ଷେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏନ୍ଆର୍ଇଜିଏର କାମ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲେ, ସେ ହିସାବରେ ଚାରି ହଜାର ଚାରିଶହ ଛତିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 4436 କୋଟି ଟଙ୍କା ନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଏଠି କାମରେ ଲଗାଯିବ ଏବଂ ଲୋକେ ସେଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଲୋକ ଆଉ ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବେ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ବି ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପଇସା ଆସିଛି ଏନ୍ଆର୍ଇଜିଏ ଯୋଜନାରେ ସର୍ବାଧିକ ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆସିଛି 4436 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସାତ ବର୍ଷରେ 16000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହାର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏତିକି ନୈତିକତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଲୋକ, ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଗରିବ ଲୋକଟି କାମ ପାଉ, ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ନିଜ ବାପା ମା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁ, ଦିଓଳି ଦୁମୁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ଅର୍ଥ ତାକୁ ମିଳୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନୈତିକତା ଯେଉଁ କଥା ରହିବା କଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର, ସେ ସରକାରଙ୍କର ସେ ନୈତିକତା କେଉଁଠି ବି ପରିଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଜି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ କଥା ମୁଁ କେବଳ କହୁଛି, ତା ପୂର୍ବକୁ ଯଦି ଇତିହାସ ଖୋଳିବା ଭୟଙ୍କର ଇତିହାସ ନରେଗାର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଗତ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଖାଲି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଗତ ବର୍ଷର ଆପଣଙ୍କୁ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦେଖାଇବି। ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଚାଉଳ ଚିପିଲେ ଜଣାପଡ଼େ ସେ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ତାର ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଭାତ ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ତିନୋଟି ଉଦାହରଣ କେବଳ ଦେବି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଯେଉଁଠି 100%-100% ଏନ୍ଆର୍ଇଜିଏର କାମ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଜେସିବି ମେସିନ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମେସିନେରୀ ଲଗାଇକି ହେଇଛି, ଲୋକ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ଗୋଟିଏ ବି ଉଦାହରଣ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ବାସ୍ତବରେ ଲୋକ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଛାତିରେ ହାତ ରଖିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସରକାରର ବଡ଼ ପଣ୍ଡାମାନେ କହନ୍ତୁ ଯେ ନରେଗା ଯୋଜନାରେ ମେସିନ୍ରେ କାମ ହେଇନି, ଲୋକ କାମ କରିଛନ୍ତି। 40%-ରୁ ଅଧିକା କାମ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ଆକାରରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଯଦି ବାସ୍ତବିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ 314 ବ୍ଲକର 314 ଜଣ ବିଡିଓ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବେ, 2,500-3,000 GRS ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବେ, 4,000-5,000 JEE ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବେ, ଏଭଳିଆ ଏକ ସ୍ଥିତି ଆସିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଜି କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ଏନ୍ଆର୍ଇଜିଏ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗାଁର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି, ସେ ଯୋଜନାର ବେନିଫିସିଆରି, ସେ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ଗାଁର ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବଡ଼ ପଣ୍ଡା, ସେ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉତ୍ତର ରଖିବେ।
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାଙ୍କି ଡମ୍ପଡ଼ା ଏଇ ପାଖରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍କି ଡମ୍ପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାଙ୍କି ଡମ୍ପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଏଇଠି ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ନିଷ୍ଠିପୁର କୁସୁପାଙ୍ଗି ପଞ୍ଚାୟତର ନିଷ୍ଠିପୁର ଗାଁ। ତାଙ୍କର ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ପୁରା ପରିବାର, ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ପୁଷ୍ପଲତା ଜେନା, ପୁଷ୍ପଲତା ପରିଡ଼ା, ସିଏ କି ନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ଫ୍ୟାମିଲି ଡାଟା। ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ପୁରା ପରିବାର ଜୟଦେବ ଜେନା ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର, ପୁଷ୍ପଲତା ଜେନା ତାଙ୍କର ଶାଶୁ, ସମ୍ବିତ କୁମାର ଜେନା ତାଙ୍କର ଦେଢ଼ଶୁର, ଅସିତ କୁମାର ଜେନା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜେନା ତାଙ୍କର ନଣନ୍ଦ ଏବଂ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ଜେନା ତାଙ୍କର ଯା। ପୁରା ଛଅ ଜଣ ଯାକ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡର, ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡର। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ତାଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଏ ସୁରମ୍ୟ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଅଛି, ଗାଡ଼ି ବି ତିନି ଖଣ୍ଡ ଅଛି, ସ୍କର୍ପିଓ ବୋଲେରୋ କରିକି ଏଭଳିଆ ତିନି ଖଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ଭ୍ୟାକେସନ ଟ୍ରିପ୍ରେ। ସିଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଲେବର ମାନଙ୍କୁ ବି, ଜବ୍ କାର୍ଡ ହୋଲ୍ଡର ମାନଙ୍କୁ ବି ନବୀନ ବାବୁ ଏଠି ନେଇକି ବିଦେଶରେ। ତେବେ ଓଏସ୍ଏସ୍ରେ ଘୋଟାଲା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧ କରିଛି ଯେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘାର, ଇଏ ପଇସା ନେଇ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରମାନେ, ଗରିବ ଛାତ୍ର ଯାହାଙ୍କର ବାପା ମା ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ କଷ୍ଟ କରି ମୂଳ ଲାଗି ଜମି ବିକ୍ରି କରି ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମେଧାବୀ, ସେମାନେ ଘରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖେ ପଇସା ଅଛି, ଚୋରି ଡକାୟତି ପଇସା ଅଛି, ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତିନି, ସେଇ ପିଲାଙ୍କ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ଜରିଆରେ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଏ। ଭିଜିଲାନ୍ସ କାହାକୁ ଧରିନି, ପୋଲିସ କାହାକୁ ଧରିନି, ଏ ଯେଉଁମାନେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସହ ଗୋଟେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ଜରିଆରେ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ। ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, ମୋଟା ଅଙ୍କ ନେଇକି ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁମାନେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଚାକିରି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଜଜ୍ ଜରିଆରେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉ, ଜେଲ୍ ପଠାଯାଉ ଏବଂ ନିରୀହ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ନ ଦିଆଯାଉ। ଆଜି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଛି, ସର୍ବାଗ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ।